बेटा अगर खेलने का दिल करे तो खेलना अपने आप से, चुटकी में हार जाओगे अगर खेलोगे अपने बाप से। चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डम। अरे यहीं से पता लगता है कि कितने झूठे थे वो, कहते थे कि अगर हम अलग हो गए तो आप रह नहीं पाओगे। अरे हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा, शायर हूँ जनाब अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा, शायर हूँ जनाब अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा। और उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे, उसे उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे, मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है, पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। व्यवहार क्या करें, अब क्या करेगा आपका हीरो? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। शरीफों को तो कुचला जाता है जनाब, यहाँ रुतबा है अनाड़ियों का। के शरीफों को तो दबाया जाता है जनाब, यहाँ रुतबा है अनाड़ियों का। और हम मुकाबला उनसे करते हैं जिनमें कुछ बात हो, वरना बस यार मैं अपने दोस्तों से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि यार अपनी दोस्ती में इतना भी प्यार नहीं है कि तुम मुझे पापा ही बोल दे। चलो अच्छी दोस्ती है इसीलिए उधार मांग लिया, चलो ठीक है, पर जब पैसे वापस नहीं आते ना तो दिल से एक ही आवाज आती है, सालिया को टमाटर मूली की तरह। धक्के तो हमने खाए, कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे। अजी ठोकरे तो हमने खाई, कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे। और हमारे दिन क्या बदले, साले गूंगे भी हाल पूछने लगे। कि सांसें चलती हैं बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मार कर जीना कैसे। कि सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मार कर जीना कैसा है। और ये शराब मुझे मीठी लगती, ये बताओ जहर पीना कैसा। हमारे ही दिए कंगन थे तब उसकी कलाई में, वो दुल्हन बन के आई थी जब अपनी ही सगाई में। खुदा तेरी रजा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता, खुदा तेरी रजा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मतलब ये हुआ तू भी था शामिल बेवफाई में। वो खुद बेवफा है मगर मुझे बेवफा कह रही है, वो खुद बेवफा है मगर मुझे बेवफा कह रही है। ए खुदा ये कैसा इश्क है तेरा, वो किसी और को मजा और मुझे सजा दे रही है। रिश्तेदारों घमंड मत करना, तोड़ दिया जाएगा। और हम क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको बहुत केयर है, क्या सोचते हो केयर टेकर का अवार्ड दिया जाएगा। जरूरत नहीं है। खत में आया तेरी जानिब से सवाल, कैसे जीते हैं तेरे बाद में हम, अपने मजहब में है शराब हराम, चाय पीते हैं तेरी याद में। हार जीत को साइड में रख दे, जिसमें सिर्फ जिंदगी या मौत मिले, हमारा नंबर सिर्फ उस खेल में आता है। कि हार जीत को साइड में रख दे, जिसमें सिर्फ जिंदगी या मौत मिले, हमारा नंबर सिर्फ उस खेल में आता है। और हमसे दिल लगाने की गलती मत कर मोहतरमा, मेरा तीनों वक्त का खाना जेल में आता है। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही कहूंगा कि मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। बड़े दिमाग खराब मत कर, ना तेरी अर्जी से और ना मेरी अर्जी से आनी है। अजी दिमाग खराब मत करो, ना तेरी अर्जी से ना मेरी अर्जी से आनी है। और एड्रेस जानकर क्या कर लेगा, मौत तो खुदा की मर्जी से आनी है। भैया अपने देश के लिए कुछ हो जाए, अपने देश के लिए। कि अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, और इसीलिए ना मेरा भारत महान है।
और जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है। कि जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है। और जलने वालों बधाई हो, आपका काम दुगना होने वाला है। किसी ने दिल तोड़ा तो किसी ने तोड़े मेरे सपने थे, दुश्मन तो दूर की बात है मेरी जान, जलने वालों में सबसे ज्यादा तो मेरे अपने ही थे। अरे किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का जमाना है, पढ़ के फेंक दिए जाओगे। माना भी तेरे जितनी तरक्की नहीं है, ना है इतना गुरूर, लेकिन तुझे डर तो है कि मैं कुछ करूंगा जरूर। एक बंदा बोल रहा है कि पबजी में यूसी खरीद के देख, औकात पता चल जाएगा कि बेटा तुम्हारी यूसी और हमारी डायमंड बहुत आगे। तुम लोग साल भर में जितने का यूसी खरीदते हो ना, हम लोग दिन में उससे कई गुना ज्यादा डायमंड खरीद के हवा की तरह उड़ाते हैं। और बेटा ज्यादा औकात की बात किया मत कर, अगर अपनी औकात जाननी हो ना तो 17 साल की उम्र से अपने माँ बाप की कमाई खाना छोड़ दे, तब खुद पे खुद अपनी औकात पता चल जाएगी। और हम फ्री फायर वाले, गलती से भी हमें छूने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे हाथ जल जाएगी। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने के बड़े दिमाग खराब मत कर, ना तेरी अर्जी से और ना मेरी अर्जी से आनी है। अजी दिमाग खराब मत करो, ना तेरी अर्जी से ना मेरी अर्जी से आनी है। और एड्रेस जानकर क्या कर लेगा, मौत तो खुदा की मर्जी से आनी है। और जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है। कि जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था अब वो हर वक्त रोने वाला है। और जलने वालों बधाई हो, आपका काम दुगना होने वाला है। बेशक मेरे यार शराबी है, उन जैसा तो मैं हो नहीं सकता, मेरे माँ पापा का सर झुक जाए, ऐसे शौक मैं नहीं रखता। बोलने से कुछ नहीं होता, अगर किसी को उसकी औकात दिखानी है तो पहले अपनी औकात बनाओ। घमंड, अकड़ और खुद की इज्जत, ये पैदाइशी होते हैं, ये रोड पर नहीं बिकते, जा तुम जाकर खरीद लो। भैया 5 रुपए की इज्जत देना। कि मेरी मोहब्बत का गला इस तरह घोटा उसने, मेरे सामने गैर को गले लगाया उसने, और धज्जियां कुछ इस कदर उड़ाई मेरे प्यार की, मेरे सामने मेरे प्रेम पत्रों को आग लगाया उसने। गांव से हूँ किसी की बुराई ना तेरे यार ने की, के गांव से हूँ किसी की बुराई ना तेरे यार ने की, जिनकी बंदियां डाल रही हमारी इंस्टा स्टोरी, वो बात करते हमें मारने की। बुरा किसी को बोला नहीं, ना करी किसी की बुराई है, जो भी है अपने दम पे है, पैरों में गिर के पहचान नहीं बनाई है। बिना पेचे लगाए समझ नहीं आया कि खाली आसमान में कैसे हमारी पतंग कट गई। बिना पेचे लगाए समझ नहीं आया कि खाली आसमान में कैसे हमारी पतंग कट गई, और नेटवर्क की दिक्कत ना हो जियो से एयरटेल में सिम पोर्ट करवाई, और यार वो तो वाईफाई वाले से पट गई। चुभ गई अगर कोई बात तुम्हारी तो मेरा किरदार खराब भी हो सकता है। कि चुभ गई अगर कोई बात तुम्हारी तो मेरा किरदार खराब भी हो सकता है। और किसी की बातों पर फिसला नहीं करते दोस्त, तारीफ की शक्ल में तेजाब भी हो सकता है।